ਸਾਂਸਦ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੀਏ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਆਪ MP ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੀਏ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DCP ਮਨੋਜ ਮੀਨਾ ਨੇ PCR ਤੇ ਕਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9:34 ਤੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰਤ ਕਾਲਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ MP ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ PA ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ PA ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਨ ਦਾ। मुख्य सचिव और कई अधिकारियों को वहां पर मारा गया, डराया गया और अब एक महिला सांसद अपनी पार्टी की ही मालीवाल जी को जिस तरह मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री के सचिव विभव ने पीटा है, ऐसे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री कार्यालय वो बॉक्सिंग रिंग बन गया है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और FIR दर्ज होनी चाहिए, दोषी पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई। शर्मनाक घटना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में इस तरह की घटना होती है। अग्रिम जमानत पर छूटे अरविंद केजरीवाल का घर वैसे भी इन घटनाओं के लिए चर्चित रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव के साथ उसी घर में बुला के मारपीट की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है, लेकिन आज जब एक बहन के साथ इस तरह की घटना होती है और वो बहन पुलिस में PCR कॉल भी करती है कि उस मुख्यमंत्री के PA ने मुख्यमंत्री के कहने पर मेरे साथ मारपीट की है। अब सच क्या है वो तो जांच पुलिस करेगी, लेकिन स्वाति मालीवाल क्योंकि एक सांसद भी हैं और दिल्ली की जागरूक नागरिक भी हैं, लगातार समय समय पर वो दिल्ली के विषय को उठाती रहती हैं। मुझे लगता है इस विषय में भी वो सच सामने आएगा और जनता को पता चलेगा कितना विभत्स चेहरा मुख्यमंत्री आवास के अंदर है। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ PCR ਕਾਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ MP ਨੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ PA ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DCP ਮਨੋਜ ਮੀਨਾ ਨੇ PCR ਤੇ ਕਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9:34 ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। आम आदमी पार्टी में इस वक्त बहुत बड़ा घमासान है। वैसे गंदगी पार्टी के अंदर हमेशा से रही है। मैं इन सब लोगों को जानती हूं, इनके साथ मैंने काम किया है, इनके साथ उठी बैठी हूं मैं, तो मैं जानती हूं इनके आपसी रिश्ते एक दूसरे के साथ क्या हैं, इनके क्या इनर डायनामिक्स हैं और कैसे ये रिश्ते बदलते रहते हैं। पहली बार हुआ नहीं है। आप सब लोगों को याद होगा 2018 में पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कैसे मारपीट हुई, वो भी चीफ मिनिस्टर के बंगलों में हुई। हम सब जानते हैं कि इस पार्टी में किस तरह से क्या कुछ होता रहता है और इनके आपसी रिश्ते कैसे बदलते रहते हैं। जहां तक बात है विभव की, विभव का काम ही यही है कि लोगों को परेशान करे, बदतमीजी करे, उनको जलील करे।
मैं जानती हूँ कि मैं खुद भुगती हूँ। नहायत ही बदतमीज किस्म का वो आदमी है, बदमाश किस्म का, और कुछ भी संभव है इस पार्टी में। सरना हरप्रीत बंदेशा इस वेले जुड़ चुके ने। हरप्रीत, बड़ा ही अपने आप दे विच गंभीर ए पूरा मामला है कि आम आदमी पार्टी दी एमपी स्वाति मालीवाल और ते मुख्यमंत्री दे पीए ते इल्जाम लगे ने कि कुटमार की थी और उन विरोधियों नु ता मौका मिलना ही है, लेकिन अपने आप च मामला बड़ा गंभीर है। देखो जिस तरीके की अजे तक जानकारी सामने आ रही है, कॉलर वालों एक कॉल किया जाता 9:34 से पुलिस स्टेशन सिविल लाइन पीसीआर कॉल जाती है कि कहा जाता है कि हुणी सीएम दे घर से हैगा ते उत्थे उन्हां दे पीए वैभव कुमार दे नाल मारकुट की गई है। दूसरी कॉल जी अगली जाती है उस कहा जाता है कॉलर वालों कि मतलब रेक्टिफिकेशन भी बकायदा लिखा गया था कि लेडी कॉलर बोल रहे हैं कि अभी उनके घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए वैभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। ये चाहे जो मोबाइल नंबर दिता गया है वो मोबाइल नंबर सीधे तौर पर स्वाति मालीवाल का हैगा, उन्हों का नंबर है, जेकर उस नंबर असी देखिए हूँ इस पूरे मामले जेकर देखिए जेकर उन्होंने वालों जी शिकायत की गई उस तो बाद थाने भी गए हैं बकायदे इसकी पुष्टि जी है वो डीसीपी के गल ना होंगी नजर आती है कि वो आते हैं, लेकिन मैडम क्या गया कि सांसद मैडम थाना सिविल लाइन्स आए लेकिन शिकायत बाद देने की गल कह के चले गए। हूँ इसे करके विरोधी ने वो इन उत्ते सवाल चुकते हुए नजर आ रहे हैं कि जो पार्टी सिद्धांतों की गल करती हो, सिद्धांत तौर पर राजनीति बदलन की गल करती हो, उत्थे जेकर यह आरोप लगन वड्डी गल है। खास तौर पर राज्यसभा सांसद उपरों महिला पार्टी का वड्डा एक लीडर, पार्टी की जी विमेन कमीशन है उसके चेयरमैन हो रहे हैं, लगातार महिलाओं के हक की गल स्वाति मालीवाल करते नजर आते हैं, तो जेकर उन्होंने नाल ये चीज हुई है बिल्कुल, क्योंकि हरप्रीत जो जो तस्वीर बनती नजर आ रही है, जो खबर निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री के कहने से विभव कुमार ने कुटमार की थी, अजिहा स्वाति मालीवाल ने इल्जाम लगाए ने, सो इतने तो बड़े नजदीक और क्योंकि आम आदमी पार्टी की एमपी ने, सो इस तरह के नाल ये इल्जाम लगने सीएम से और कि उन्होंने अपने विभव कुमार जो रहे ने पीए उन्होंने कुटमार करने के लिए क्या जी। बिल्कुल देखो ये बड़े वड्डे सवाल ने क्योंकि जेकर पहली जी कॉल जाती है उस शायद जो इंसान पहला एकदम कॉल करता घबराया हुआ हो सकता है तो यह कह दिता हो सीएम अपने विभव कुमार ना मारकुट कर रहे, लेकिन जी दूसरी कॉल है जी साढ़े दर्शक टीवी से देख भी सकते हैं जी डायरी की एंट्री है वो सीधे तौर पर लिखे कि लेडी कॉलर बोल रहे हैं कि उन्होंने पीए वालों कुटवाया जा रहा है, तो यह अपने आप से बड़ा वड्डा सवाल उठता है कि आखिर एक जी कॉलर है उसनों क्यों उत्थे कुटिया गया, तो मुख्यमंत्री की रिहायश उत्तों एक लेडी कॉलर का यह कहना कि मुख्यमंत्री अपने पीए को कुटवा रहे हैं, चाहे स्वाति मालीवाल हो या कोई होर, इस जिन्हें चर तक तफ्तीश नहीं होगी, उन्हें चर तक जांच नहीं होगी, उन्हें चर तक जो सच है वो सामने नहीं आ पाएगा। बीजेपी इसे करके हमलावर होंगी नजर आ रही कि जो पार्टी राजनीतिक सिद्धांतों की गल करती थी आखिर उत्थे की हो रहा है कि उससे पार्टी की राजनीतिक सिद्धांतों की बहुत दूर की गल है, यह तो एक महिला के जेडे सम्मान की गल है भावे उन्होंने अपनी पार्टी की होवे या किसी होर पार्टी की, एक महिला के नाल इस तरह का नाल जो व्यवहार होंगे है, जो इस तरह की कोई शिकायत आई है तो अपने आप च गंभीर मामला भी है और सख्त नोटिस लेना और इसकी जड़ी है निरपक्ष जांच होनी बड़ी जरूरी हो जाती है। जी बिल्कुल मैं वही कह रहा कि मुख्यमंत्री का आवास हो उन्होंने अपने सांसद होने पर तो वही गल कि महिला ने तो मुख्यमंत्री आवास के योजी हरकत हो जाना वे सवाल खड़े करता है कि जे राजनीतिक सिद्धांत बदलन की गल करते सर जेकर उत्थे चीजा होंदिया ने तो फिर होर ज्यादा वाला सवाल है, इसे करके जिन्ना चर इसकी जांच नहीं होगी उन्ना चर तक तस्वीर साफ नहीं हो पाएगी। हालांकि मनोज मीणा जो कि डीसीपी ने उन्होंने कहा गया कि सांसद मैडम आए ने उस तो बाद चले गए बाद शिकायत करने की गल कह के स्वाति मालीवाल के उत्ते कोई प्रैशर पाया गया कि वो पिछे हट जाए किसी होर कारण
ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ? ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੋਵੇ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਯਕੀਨਨ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਾਲਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ